हाँ प्रणाम भाई साहब। हाँ प्रणाम प्रणाम। सुशील बोल रहा था भाई साहब आगरा से। हाँ सुशील जी। हाँ सर, अच्छा ये कह रहा था मैं, सर ये डिले कैसे हो रहा है इतना? डिले इसलिए हो रहा है ना कि जानना जो विरोध चल रहा है, दूसरे कई पक्ष जो विरोध कर रहे हैं, हाँ वो कल को कोई ऐसी चीज ना फंसे कि आप लोग का होने के बाद फिर कोई तकनीकी आधार पर कहीं कोई दिक्कत आ जाए। अच्छा। तो सारी चीजों को क्लियर करने में समय लग रहा है तो कोई। अच्छा सर, जैसे ये लोग MRC वाले हैं, तो कुछ होना नहीं है? होना कुछ नहीं है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिले, ज्वाइन करें, कोई कोर्ट से स्टे ले आए, कोई डायरेक्शन ले आए। अच्छा अच्छा। उसकी पूरी तैयारी करके जो कैबिनेट दाखिल कर रहा है, जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया है वो करके ही होगा। अच्छा। दो चार दिन देर लग रहा है, लेकिन आप लोगों के हित में लग रहा है। कुछ लोग थोड़ा सा अफवाह उड़ा रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए ना, इसको आप भी समझिए और अपने जो लोग संपर्क में उनको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो देरी हो रही है वो आपके हित के लिए हो रही है। बिल्कुल सर। अब तो सर लगभग कब तक उम्मीद है, हम कब तक मान सकते हैं? कब तक क्या, नेक्स्ट वीक में मिल जाना चाहिए आप लोगों को। अगले वीक में? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ओके, थैंक यू सर। 69,000 शिक्षक भर्ती, थर्ड काउंसलिंग आगरा के अभ्यर्थियों और SCERT अधिकारी के बीच बातचीत का जारी ऑडियो। अधिकारियों का कहना है कि कुछ MRC मैटर और आंसर की सहित रिटायरमेंट सर्विस की वजह से लेट हो रहा है।